दोस्तों नमस्कार मैं संजय मग्घू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो और ऑडियो वायरल चल रहा है आजकल वो वीडियो और ऑडियो है बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया का बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं विधायक रणधीर परिहार पर रणधीर परिहार विधायक हैं नलवा के कुलदीप बिश्नोई के बहुत खासम खास हैं बहुत नज़दीक हैं आरोप लगा रहे हैं रणधीर पनिहार पर बदसलूकी का और उनके साथ में गलत व्यवहार का इसके साथ साथ इस सारे मामले में जो ये चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बिश्नोई सभा के देवेंद्र भुड़िया और पनिहार साहब का इसके बीच में आए हैं संत लाल दास संत लाल दास संत हैं बिश्नोई समाज के संत हैं वो भी और इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगा दिया है संत लालदास कह रहे हैं कि रणधीर पनिहार नहीं बल्कि रणधीर पनिहार के पीछे जो हैं, वो कुलदीप बिश्नोई हैं। और सनसनी खेज आरोप लगाया है कुलदीप बिश्नोई पर संत लाल ने कि बिश्नोई सभा का महा जो बिश्नोई महासभा है उसका अध्यक्ष रखने के लिए देवेंद्र पुड़िया से करोड़ों रुपए की मांग की जा रही है बहुत गंभीर आरोप है दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि कुलदीप बिश्नोई बिश्नोई जो महासभा है राष्ट्रीय बिश्नोई महासभा उसके संरक्षक हैं उसके पैटर्न हैं और संरक्षक की जो कुर्सी मिली है संरक्षक का जो तमगा मिला है संरक्षक की जो पोस्ट मिली है उनको वो अपने पिता स्वर्गीय चौधरी भजन लाल की विरासत से मिली है जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो फिर मन हुआ कि आपसे बात कर लें कि चौधरी भजन लाल की राजनीतिक और सामाजिक विरासत जो कुलदीप बिश्नोई के पास गई उस राजनीतिक और सामाजिक विरासत का भविष्य क्या है उसमें आगे चल क्या रहा है अगर उसी बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिश्नोई महासभा के संत कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगाए कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष रखने के लिए करोड़ों रुपए की मांग की जा रही है तो फिर कान भी खड़े होंगे सवाल भी उठेंगे और बात भी आएगी कि आखिर उस विचारधारा का उस विरासत का भविष्य क्या है जो चौधरी भजनलाल की विरासत कुलदीप बिश्नोई के पास है आपको बताते चले कि कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजन लाल की राजनीतिक और सामाजिक विरासत के झंडा बरदार हैं कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजन लाल की जो लिटरेसी है उसको आगे चलाने वाले मर समझे जा सकते हैं लेकिन अगर इस प्रकार के आरोप लगेंगे तो फिर ना उसका समाज में अच्छा संदेश जाएगा और ना राजनीति के अंदर आप पहले सुनिए कुलदीप बिश्नोई के बारे में क्या कह रहे हैं संत लालदास और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुलदीप बिश्नोई जिनके पास राजनीतिक विरासत भी है चौधरी भजन की वो आगे कैसे बढ़ेगी और उसका हश्र क्या चल रहा है आजकल क्या वो कहीं राजनीतिक विरासत कहीं वो राजनीतिक जो महल या राजनीतिक बड़ी जो संपत्ति खड़ी की थी चौधरी भजन लाल ने कहीं वो व्यर्थ तो नहीं हो जाएगी पहले आप सुनिए संत दास को निंदनीय घटनाएं की वो वोधीर पर्या नहीं थे वो गुलदीप जी ने करवाई है गुलदीप जी इनसे करोड़ों रुपया मांगते हैं कि करोड़ों रुपया देगा आप तो आपको अध्यक्ष रखेंगे नहीं तो आपका अध्यक्ष हटाए जाएंगे इस क्लीन के पास कोई करोड़ों रूपए थे नहीं पैसे लुटा दिया पूरा पूरा गुलदीप को अब गुलदीप का पैसा और दो तो मैं आपको प्रदान रखूंगा आप इस्तीफा दो इसके लिए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और इनके पास बहुत बड़ा डिमांड किया तो मैं विश्व समाज से निवेदन करना चाहता हूँ ये अखिल भारतीय विष्णु महासभा अध्यक्ष देवेंद्र जी आज है कल और अध्यक्ष बन सकता है इस प्रकार डिमांड करेगा ये कुछ दिन का निजी व्यवसाय बन गया इसके लिए समाज के राष्ट्रीय प्रधान जी के साथ में रहे और अखिल भारतीय विष्णु महासभा कार्यकारिणी सदस्य पदाधिकारी एकत्रित होकर के करना कठोर फैसला लेना चाहिए तो आपने सुना संत लालदास कह रहे हैं मैं देवेंद्र के बयान और उन पर रणधीर जो पनिहार पर उनके आरोप पर नहीं जा रहा मैं सीधे सीधे संत लालदास जो भगवा वस्त्रधारी हैं बिश्नोई समाज के संत हैं वो कह रहे हैं आपने सुना कि ये समाज के अंदर अध्यक्ष और जो अन्य पदाधिकारी हैं वो आगे भी बनेंगे लेकिन अगर इस प्रकार चलेगा जैसे आरोप लग रहे हैं तो फिर भविष्य क्या और बात यही आ जाती है कि अगर राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा जिसको मिली हो राजनीतिक और सामाजिक विरासत जिसको मिली हो उस पर इस प्रकार के आरोप लगें दीगर बात ये है और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अभी हाल ही में पहली बार चौधरी भजन लाल का राजनीतिक जो किला था आदमपुर वो भी ध्वस्त हुआ चौधरी कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो राजनीतिक विरासत संभाले हुए हैं चौधरी भजन लाल की अब की बार संभाल नहीं पाए चुनाव हार गए और आदमपुर के अंदर पहली बार चुनाव हारे हरियाणा की राजनीति के अंदर और बिश्नोई समाज का जो सामाजिक ताना बाना है उसके अंदर चौधरी भजनलाल एक हमेशा बड़ा नाम रहे हैं चौधरी भजनलाल तीन बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे सबसे पहली बार वो मुख्यमंत्री बने उन्नीस में नाइनटीन उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने उन्नीस में लगातार दूसरी बार और उसके बाद चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने उन्नीस में 1991 से लेकर के उन्नीस तक मुख्यमंत्री रहे इससे पहले जब उन्नीस में मुख्यमंत्री बने तो हालांकि उन्नीस के अंदर सतासी का जो चुनाव हुआ था कांग्रेस ने उस चुनाव के अंदर चौधरी भजन लाल की जगह पर चौधरी बंसी लाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया था जो राजनीतिक घटनाओं में राजनीतिक घटनाक्रम में रुचि रखते हैं और जानते होंगे खैर तो मैं आपको बता रहा था चौधरी भजन लाल जहाँ राजनीति के अंदर अगर बात आती है तो तीन बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कई बार केंद्र के अंदर मंत्री सांसद और अगर आदमपुर की बात अगर कर चलें जो आदमपुर उनका राजनीतिक किला कह सकते हैं चौधरी भजन लाल का अभेद किला जिसको कोई भेद नहीं पाया लेकिन चौधरी भजन लाल के निधन के बाद जब चौधरी भजन लाल ने दुनिया छोड़ दी तो उनकी राजनीतिक विरासत संभालने वाले कुलदीप बिश्नोई ने कैसे उनकी राजनीतिक विरासत संभाली आप कुछ यूं समझें कि उन्नीस से चौधरी भजनलाल लगातार यहां पर विधायक बनते रहे उन्नीस सौ का एक चुनाव ऐसा था कि जिसके अंदर चौधरी भजनलाल नहीं लड़े तो फिर उनकी धर्मपत्नी जस्मा देवी विधायक बनी वो दौर जब हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल की आंधी थी लेकिन चौधरी भजनलाल का राजनीतिक किला हिला नहीं चाहे वो कांग्रेस में रहे चाहे वो हरियाणा जनहित कांग्रेस उन्होंने बनाई जब जब चुनाव मैदान में चौधरी भजन हुए तो फिर वो राजनीतिक किला यूँ का यूँ अभेद्य रहा उसके अंदर कोई भेद नहीं पाया उस किले को चौधरी भजन लाल का निधन हो गया 2011 में चौधरी भजन लाल के निधन के बाद चुनाव हुआ जब और जिस चुनाव के अंदर मैदान में उतरे कुलदीप बिश्नोई और उनके लाडले भव्य बिश्नोई आपको ध्यान होगा 2019 का लोकसभा चुनाव जिस लोकसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई पहली बार पहली बार चुनाव हार गए थे आदमपुर के अंदर ही वो चुनाव लोकसभा का था लेकिन जो हिसार लोकसभा जहां से वो कैंडिडेट थे जहां पर नौ विधानसभाएं आती हैं एक विधानसभा आदमपुर है और उस लोकसभा चुनाव के अंदर विधानसभा के अंदर हार गए थे भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई जो झंडा संभाले हुए हैं चौधरी भजन लाल की विरासत का यानी कि पहली बार दरक गया वो किला चौधरी भजन लाल का जिसे कोई भेद नहीं पाया था और उसके बाद वो दौर आया अब दो का 2024 के चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई के पास भारतीय जनता पार्टी का टिकट था भव्य बिश्नोई चुनाव मैदान में थे और भव्य बिश्नोई को पहली बार चौधरी भजनलाल की राजनीति के नाम पर चलने वाले चौधरी भजनलाल के नाम पर राजनीति करने वाले भव्य बिश्नोई को चुनाव में हरा दिया जनता ने आदमपुर की जनता ने उस आदमपुर की जनता ने जिसने अपने सर आंखों पर रखा था कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजन लाल और उसके बाद भव्य को भी मैं आपको बताता चलूं कि 2011 के बाद जो चुनाव हुए उनमें हुआ क्या 2011 के बाद चुनाव हुआ 2014 के अंदर विधानसभा और लोकसभा का उस चुनाव के अंदर हरियाणा जनहित कांग्रेस जो कुलदीप बिश्नोई जी की कांग्रेस पार्टी थी अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस जिसका जन्म चौधरी भजन लाल के झंडे तले हुआ था उस चुनाव के अंदर केवल दो विधायक रहे इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2009 में उस चुनाव में छह विधायक बने थे जिनको संभाल नहीं पाए थे कुलदीप बिश्नोई अकेले रह गए थे पाँच विधायक छोड़ गए थे उनको वो चौधरी भजनलाल की विरासत संभालने वाले कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल को राजनीति का पीएचडी माना जाता था अल्पमत को बहुमत में कैसे बदलना है ये बाजीगरी चौधरी भजन के अंदर थी किसी को अपना कैसे बनाना है ये बाजीगरी चौधरी भजन में थी लेकिन वो बाजीगरी ध्वस्त हुई कुलदीप बिश्नोई की चौधरी भजन के रहते हुए भी कि जब 2009 के अंदर उनको छह विधायक हरियाणा की जनता ने दिए हरियाणा जनहित कांग्रेस को लेकिन वो एक भी विधायक को अपने साथ नहीं रख पाए पांच विधायक चले गए 2011 में चौधरी भजनलाल का निधन हो गया और उसके बाद पहली बार चुनाव में अपने बूते उतरे चौधरी भजनलाल की विरासत को साथ लेकर कुलदीप बिश्नोई और उस चुनाव के अंदर मात्र दो विधायक बने खुद कुलदीप और उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई खुद कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीत गया उनकी धर्मपत्नी चुनाव जीत गई ये दो लोग विधायक बने बस सिर्फ 2016 के अंदर कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी का हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय कर लिया मर्ज कर लिया उसको कांग्रेस के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर भव्य बिश्नोई को टिकट मिला था मैंने आपको बताया कि आदमपुर भी हार गए थे और फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई कैंडिडेट हुए एमएलए के के विधानसभा आदमपुर से चुनाव जीते उपचुनाव हुआ क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी में चले गए कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस छोड़ने के बाद जो उपचुनाव हुआ उस उपचुनाव में टिकट दिया गया भव्य बिश्नोई को उपचुनाव भी भव्य बिश्नोई जीत गए लेकिन उसके बाद आप यही समझ सकते हैं कि जनता का उनसे निराशय था या जनता के प्रति उनकी बेरुखी थी कि भजनलाल की राजनीतिक विरासत ढह गई आदमपुर के अंदर ही सामाजिक विरासत मैं आपको बता चुका हूं कि जो आजकल चल रहा है कुलदीप बिश्नोई जो बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं बिश्नोई समाज के ही संत कोई और नहीं लगा रहा संत लालदास बिश्नोई समाज से आते हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कुलदीप करोड़ों रुपए चाहते हैं आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इसकी तो जांच हो सकती है और या फिर खुद कुलदीप बिश्नोई बता सकते हैं या संत लाल दास बता सकते हैं लेकिन भगवा वस्त्रधारी जब कोई आरोप लगाते हैं कोई बात कहते हैं तो बात दूर तक जाती है सामाजिक विरासत इस तरह चरमरा रही है और राजनीतिक विरासत तो आप देख लें कि किला ढह गया चौधरी भजनलाल का के अंदर ही अब बड़ा सवाल ये है कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों विरासतें जो जनता की अदालत के अंदर अगर कुलदीप बिश्नोई उसके अंदर खरे सोने नहीं बन पा रहे तो आने वाले समय के अंदर चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत का क्या होगा हालांकि चुनाव हारने के बाद कुलदीप बिश्नोई आपको ध्यान होगा जब चुनाव भव्य बिश्नोई हारे थे तो कुलदीप बिश्नोई आंसू बहाते हुए रोते हुए आए थे और फिर अपने घर में गए थे लेकिन अब फिर एक बार जनता के बीच जा रहे हैं कह रहे हैं कि हमने जो पुराने काम किए हैं अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों वही आ जाती है जो मैं आपसे कह रहा था कि जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं सामाजिक विरासत को लें तो फिर आरोप लग रहे हैं खुद कुलदीप बिश्नोई पर राजनीतिक विरासत को लें तो फिर आदमपुर जैसा अभेद्य दुर्ग ढह गया पूरी तरह से भविष्य क्या होगा चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विचारधारा का क्या कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल की राजनीतिक और विरास आ, सामाजिक विरासत को सहेज और संभाल पाएंगे क्या कुलदीप बिश्नोई और उनके लाडले राजनीति में तो भव्य हैं दूसरे बेटे राजनीति में है नहीं अभी क्या कुलदीप और भव्य बिश्नोई चौधरी भजनलाल की लिटरेसी को जनता के बीच आगे भी पहुंचा पाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात जो संत लालदास आरोप लगा रहे हैं आपको क्या लगता है उन आरोपों में कोई सच्चाई है और या फिर उनके पीछे कोई और कॉन्सीप्वेंसी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहें हमारे साथ देखते रहें देश